चेक कीजिए कि इसका भी आईपी एड्रेस जो है यहाँ पर कनाडा का है, ठीक है। अभी आप चेक कीजिए ये वाला ब्राउजर के अंदर हमने अपनी वेबसाइट को ओपन किया बिल्कुल फ्री के अंदर हमारे विजिटर वगैरह आ रहे हैं, इसका आईपी एड्रेस अलग है, ठीक है। ये वाली चीज़ चेक कीजिए, यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट को ओपन किया और यहाँ पर आप लोगों ने चेक कीजिए इसका आईपी एड्रेस अलग है यूके का है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए कि ये वाला आईपी एड्रेस है ये कनाडा का है और यहाँ पर आप लोग अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों को जो ट्रैफिक है वो मिलेगी और बिल्कुल प्रीमियम कंट्री से आप लोगों को ट्रैफिक मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी यार। तो यार जैसे कि आप लोगों को मैंने कल वाली वीडियो के अंदर एक कमाल दिखाया था, तो आज किस वीडियो के अंदर भी भाई जन होने वाला है कमाल धमाल भाई जमाल, क्योंकि यार आज किस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि जिसकी मदद से आप लोगों को प्रीमियम कंट्री से ट्रैफिक आएगी। जरूरी नहीं कि आप लोग अपने ब्लॉग के ऊपर इसको यूज करें, आप लोग इसकी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर क्या आप लोग अपनी यूट्यूब वीडियोज के ऊपर आप लोग व्यूज भी ले सकते हो। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो वहां पर से आपको लोगों को एक इनकम अच्छी खासी जनरेट भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो एक ही है, लेकिन ये आप लोग अपने मुताबिक इसको किसी भी जगह पर यूज कर सकते हो और आप लोगों को बहुत ही अच्छी यहाँ पर से जो ट्रैफिक है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी आप लोगों को। कभी भी यूट्यूब का अलग्रिथम, फेसबुक का अलग्रिथम, अगर आप लोगों को फेसबुक के ऊपर व्यूज़ लेनी है या तो फिर आप लोगों का वेबसाइट का एडसन का अलग्रिथम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि आप लोग खुद से अपनी व्यूज़ लेकर आ रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर और अपनी वीडियोज़ के ऊपर, क्योंकि ये सारा कुछ ऑर्गेनिक होगा। और ये किस तरीके से करना है आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि आपकी ये वाली जो वीडियो इसके अंदर हम लोग गूगल के यूट्यूब के अलग्रिथम को निढाल कर देंगे, ठीक है ना, अपनी इस कमाल की ट्रिक से। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ट्रिक ही मैं कुछ ऐसे बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो है जो कि जिसके अंदर मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरीके से एडसेंस डॉलर लोडिंग और यूएसए की प्रीमियम कंट्री की बिल्कुल फ्री के अंदर ट्रैफिक किस तरीके से ले सकते हो, तो ये वाली मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो ये वाली वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी ये वाली वीडियो भी। तब आप लोगों ने करना क्या है यहाँ पर, यार बगैर किसी भी चीज के प्रूफ के आप लोगों को चीज बताऊं ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को प्रूफ दिखाते हैं, यहाँ पर आप चेक कीजिए कि जो यस्टरडे के जो विजिटर है 2050 विजिटर आए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, अभी टूडे भी नहीं हुआ अभी तक, मैंने इसको ट्रिक को इंप्लीमेंट नहीं किया अभी तक, ठीक है ना, और आप लोगों के सामने भी करूंगा इस ट्रिक को इंप्लीमेंट। तो अभी यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए कि यस्टरडे के जो व्यूअर यानी कि जो ट्रैफिक है वो 2050 आए हैं, ठीक है, और ऑल टाइम क्या यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर मैं पेज को आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि किसी भी तरह के कोई भी आप लोगों को इश्यू ना बने, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड के अंदर ना आए। तो अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करा, जैसे जैसे आप लोगों को बताता चाहूँ आप वैसे वैसे करते जाना और आप लोग रिजल्ट चेक कीजिएगा, आपकी वेबसाइट न्यू हो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, पुरानी हो बैकलिक्स हो या तो फिर नहीं हो, उसका जो रैंक कौन सा, डोमेन अथॉरिटी वगैरह क्या, पेज अथॉरिटी वगैरह क्या, कुछ भी बैटर नहीं करता है, ठीक है। हम सिंपली जो मैं आप लोगों को स्टेप बताता जाऊँगा आपने वैसे वैसे उसको इंप्लीमेंट करते जाना है। आपने gologin.com वेबसाइट के ऊपर चले जाना, यहाँ पर जाकर आप लोगों ने डाउनलोड पर वीडियो पर क्लिक कर देना और ये वाला सॉफ्टवेयर आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना। तो मैंने यहाँ पर ये वाला सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखा, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 2 से 3 बार मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कट लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये ऐसी वीडियोस बनाने के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करोगे तो देन यहाँ पर मेरे लिए भी एक जो मोटिवेशन होगी, ठीक है ना। तो देन आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, देन आप लोगों ने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने चले जाना इसके साइन अप के पेज के ऊपर। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ईमेल, ठीक है ना, आई डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है, साइन अप पर क्लिक कर देना आप लोगों ने अगर आप लोगों ने पहले इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ अपने जीमेल को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जीमेल को कॉपी किया मैंने यहाँ पर से, देन यहाँ पर आया, यहाँ पर जाकर मैंने कंट्रोल वी कर दिया इसको, और देन आप लोग यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड टाइप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, ठीक है। देन आप लोगों ने इसको पासवर्ड को आप लोगों ने याद भी रखना है, क्योंकि अभी हम इसी पासवर्ड को किसी और जगह पर भी लगाएंगे, ठीक हो गया। देन साइनअप के ऊपर क्लिक कर देना, जैसे आप साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे तो देन यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज आएगा आप लोगों के सामने। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, देन यहाँ से भी कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, यानी जहाँ से भी कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आर यू गोइंग टू यूज अवर API नो पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग कह दीजिए कि यूट्यूब वीडियो के लिए लेना है, ठीक है। देन आप लोगों का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके वो भी सॉफ्टवेयर अगेन डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इसे पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया मैंने। देन आप लोगों ने यहाँ पर एक प्रोफाइल जनरेट करनी है, यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर आओगे ना तो यहाँ पर आप लोग एक
फाइल आपकी ऑलरेडी बनी हुई होगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, ठीक है, रेडी, ठीक है। यहाँ पर यूएसए की ये वाली प्रोफाइल होगी आप लोगों की, ऑलरेडी पहले से बनी हुई होगी। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, रन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सैनिक वगैरह करेगा। तो ये वाला एक आप लोगों का सॉफ्टवेयर जो मैंने आप लोगों को कहा है, ठीक है ना, वो वाला सॉफ्टवेयर आप लोगों ने डाउनलोड जब किया होगा तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके का आप लोगों के पास आ जाएगा। सिंपली आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना, ठीक है। जिस तरीके की एक RDP होती है ना, वैसे आप लोगों को यहाँ पर इंटरफेस नजर आएगा। व्यू के ऊपर क्लिक करना आप लोगों ने, यहाँ पर से यहाँ पर वो कह रहे हैं कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी इसको नहीं करना, हम जो अपनी जो विंडो वगैरह वो इसी के अंदर हम ओपन करेंगे, ठीक है। ये वाला इसके अंदर हम अपना जो सारा प्रोसेस वगैरह वो इसके अंदर ही लगाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरा इसके अंदर कोई और अकाउंट लॉगिन हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट आप लोग यहाँ पर इसे बना सकते हो। तो यहाँ पर से आपको अभी मैं इसको यहाँ पर से लॉगआउट कर देता हूँ, ठीक है। और देन यहाँ पर से जो अभी हमने अपना जीमेल यानी कि अकाउंट बनाया है उसी अकाउंट को मैं यहाँ पर पे लगाता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, देन यहाँ पर आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, वही मेरी प्रोफाइल आप लोगों की यहाँ पर आ गई है, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक करोगे तो एक ब्राउज़र ओपन होकर आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। वो वाला जो ब्राउज़र होगा वो यूएसए का होगा, उसका आईपी एड्रेस मतलब जैसे एक विंडो होता है वैसा आप लोग को वहाँ पर जो देखने को मिलेगा, ठीक है। हर एक चीज़ उसकी अपनी खुद की होगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, अभी यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को अपना आईपी एड्रेस दिखाता हूँ तो यहाँ पर चेक कीजिए कि माई आईपी के ऊपर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, मेरा आईपी एड्रेस इस वक्त ये वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, मैं यहाँ पर जाकर इसी ब्राउज़र के अंदर जाकर टाइप करता हूँ माई आईपी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए कि मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पर क्या कौन सा है। अभी मैं वर्स इज माई आईपी एड्रेस .com के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग चेक कीजिएगा मेरा जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर ये यूएसए का दिखा रहा है, यूनाइटेड स्टेट का दिखा रहा है। अब आप लोग यहाँ पर से अपनी किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसको कम्प्लीटली उसके ऊपर जो काम करना है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा एड्स के ऊपर क्लिक करा कीजिए तो आप लोग की अर्निंग वैलेट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। आपको कोई इशू वगैरह नहीं होगा, एडसन को कोई इशू वगैरह नहीं होगा। इसी तरीके से आप लोग अपनी यूट्यूब वीडियोज को आप लोग यहाँ पर से ओपन कर सकते हो, उसको चला सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आप लोग अपने एड्स वगैरह देख सकते हो, एड्स के ऊपर क्लिक वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारा काम आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। इसी तरीके जो भी आप लोगों की वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कि मेरी यहाँ पर वेबसाइट जो telefunda.com है, इसको मैं यहाँ पर से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल फ्री के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर आप लोग ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, ठीक है। मैंने ड्रग यहाँ पर सर्च किया और किसी भी पोस्ट को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये चेक कीजिए और यहाँ पर से आप लोग बिल्कुल फ्री के अंदर यूएसए की ट्रैफिक लेकर आ रहे हो भाई जान यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर जितनी देर आप लोग यहाँ पर रहना चाहते हो, मतलब जितनी देर इसको सर्व करना चाहते हो, अपना बाउंस रेट कम करना चाहते हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ये सारा काम आप लोग कर रहे हो बिल्कुल फ्री के अंदर। और दूसरे नंबर के ऊपर यूएसए के आप लोगों के पास इस वक्त आईपी एड्रेस है। और सेकंड थिंग ये है कि आप लोग अपना बाउंस रेट कम करना चाहते हो तो ज़्यादा टाइम आप लोग अपनी पोस्टों के ऊपर यहाँ पर गुजारिएगा, आप लोगों का जो बाउंस रेट है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पर अपने एड्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा एड पर क्लिक करोगे तो देन आप लोगों को एड्स को तो कोई इशू नहीं पड़ता, लेकिन एक इशू होता है कि आप लोगों की जो अर्निंग होती है वो यहाँ पर ऐड नहीं होती है एड्स के अंदर, वो इनवैलिड के अंदर वो कर देता है, ठीक है। तो इसलिए आप इनवैलिड एक्टिविटीज़ यहाँ पर ना कीजिएगा। हाल पता चला इसी तरीके से आप दूसरी मशीन क्रिएट कीजिए, फिर तीसरी। हर एक मशीन का आईपी एड्रेस एक अलग अलग होगा, ठीक है। अब आपने न्यू प्रोफाइल किस तरीके से जनरेट करनी है, यहाँ पर जाना, न्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना आप लोग, ठीक है। देन यहाँ पर जाकर आप लोगों ने विदाउट प्रॉक्सी करना है या फिर फ्री प्रॉक्सी, ठीक है। फ्री प्रॉक्सी के ऊपर आपने क्लिक कर देना यहाँ पर से। देन यहाँ पर जो जियो लोकेशन है वो आप लोगों ने ब्लॉक कर देनी यहाँ पर, ठीक है। ये वाला काम आप लोगों ने लाजमी देखना है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो कि इस वीडियो को यहाँ पर से छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है। अब उनको जो नुकसान होगा वो यही होगा कि जो न्यू प्रोफाइल जनरेट करनी है उसके अंदर आप लोगों ने जहाँ पर जो जियो लोकेशन है उसको ब्लॉक करना है आप लोगों ने, ठीक है। और वेब RTC वगैरह एक्सटेंशन वगैरह ये सब कुछ आप लोग अगर आप डिसेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी आप लोग इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। जो टाइम जोन है प्रॉक्सी हो गया, जियो लोकेशन, और देन यहाँ पर से आप लोगों ने एक और प्रॉक्सी पर जाते जाते हैं तो जहाँ पर जो कंट्री है वो कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे कि UK, कनाडा, जर्मनी, इंडिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग प्रीमियम कंट्री से आप लोग ये सारा कुछ ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक इसकी चीज़ ये बनाओगे तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ होगी, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर चेक कीजिए।
प्रॉक्सी जो होगी वो गो लॉगिन की होगी, ब्राउज़र क्रोम का होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होगा, यूजर एजेंट मोज़िला फायरफॉक्स होगा, रेजोल्यूशन इतनी होगी, लैंग्वेज इसकी ये वाली होगी, प्लेटफॉर्म इसका विंडो 32 बिट का होगा, टाइम जोन इसका जो आईपी के ऊपर डिपेंड करेगा, जो जियो लोकेशन हमने ब्लॉक कर दिया, वेब आरटीसी जो है वो अल्टरनेटिव इनके ले लेगा, और कन्वेस जो है फिंगरप्रिंट कन्वेस उसको हमने ऑफ कर दिया ताकि हमें डिटेक्ट वगैरह ना करें, और जो क्लाइंट रिएक्ट होगा वो नॉइस वगैरह होगा। इसी तरीके से हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बता देगा, ऑडियो वगैरह, कॉन्टेक्स्ट वगैरह, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह क्या होगा उस ब्राउज़र का, ये सारा कुछ आप लोगों ने यहाँ पर इसने प्रोफाइल समरी के अंदर बता दिया। जब यहाँ पर आप प्रोफाइल का नेम रख सकते हो, जैसे कि मैं सेकंड रख दिया, और यहाँ पर से आप किसी और कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, क्रिएट प्रोफाइल पर आप लोगों को क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों की दूसरी प्रोफाइल वो भी यहाँ पर आप लोगों ने विंडो की क्रिएट कर ली है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर से क्या करें, यहाँ पर आप जो रन है इसको भी आप लोग यहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग ये वाली जो प्रोफाइल है इसका भी जो आईपी एड्रेस होगा वो अलग होगा, ठीक है ना। जो पहली बार आप लोगों ये वाला जो एक ब्राउजर ओपन हुआ यहाँ पर चेक कीजिए इसका आईपी एड्रेस ये वाला, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, देन यहाँ पर जाना आप लोगों ने और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग इसका आईपी एड्रेस चेक कीजिए कि इसका जो आईपी एड्रेस है वो अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम का है और इसका आईपी एड्रेस वो एक अलग आईपी एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं इसका आईपी एड्रेस अलग है। यहाँ पर आप अपनी वीडियो को ओपन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाकर आप लोग अपनी वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ telefonda.com, ठीक हो गया, telefonda.com ये मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर अगेन जाइए, ठीक है, अगेन जाकर आप लोग यहाँ पर न्यू प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप लोग थर्ड कर दीजिए, यहाँ पर से प्रॉक्सी आप लोग यहाँ पर फ्री वाली यूज़ कर लीजिए और देन जियो लोकेशन को आपने ब्लॉक कर देना यहाँ पर से, और जो ओवरव्यू के अंदर जाइए तो यहाँ पर से हम जो कंट्री है वो हम कनाडा पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर से, ठीक है। अब यहाँ आप 7 डेज का जो ट्रायल है बिल्कुल फ्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए कि ये कनाडा की है, ये यूके की है, ये यूएसए की है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कीजिएगा, अभी आप लोग का जो तीसरा ब्राउजर है वो भी यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखिए whatsmyip.com के ऊपर गया। अभी यहाँ पर चेक कीजिए कि इसका भी आईपी एड्रेस जो है यहाँ पर कनाडा का है, ठीक है। अभी आप चेक कीजिए ये वाला ब्राउजर के अंदर हमने अपनी वेबसाइट को ओपन किया बिल्कुल फ्री के अंदर, हमारे विजिटर वगैरह आ रहे हैं, इसका आईपी एड्रेस अलग है, ठीक है। ये वाली चीज़ चेक कीजिए, यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट को ओपन किया और यहाँ पर आप लोगों ने चेक कीजिए इसका आईपी एड्रेस अलग है, यूके का है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए कि ये वाला आईपी एड्रेस है ये कनाडा का है, और यहाँ पर आप लोग अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों को जो ट्रैफिक है वो मिलेगी और बिल्कुल प्रीमियम कंट्री से आप लोगों को ट्रैफिक मिलेगी। और YouTube के ऊपर जाकर आप लोग अपनी वेबसाइट को सर्च कीजिए, अपनी वीडियो को सर्च कीजिए बिल्कुल फ्री के, यहाँ पर से आप लोग अपने इंप्रेशन लेकर आ सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप लोग बिल्कुल फ्री के अंदर प्रीमियम कंट्रीज की ट्रैफिक आप अपने YouTube चैनल के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर, अपने WordPress वेबसाइट के ऊपर लेकर आ सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और जो इससे पहली बार जो हमारी वीडियो यहाँ पर से आप लोग यूएसए के ट्रैफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरीके से लेकर आ सकते हैं वो वाली भी आप लोग यहाँ पर ये वाली वीडियो देख लीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।